उन ज्ञान में एक हूँ, बुद्धि प्रवीण हूँ, किस तरह नाश होगा मेरा, क्योंकि मैं तो नाशहीन हूँ। तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारा ग्रुप आया हुआ है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है। आज 7 जनवरी है, हमारा ग्रुप जो दिल्ली घुमक्कड़ी के नाम से काफी फेमस है, आज यहाँ पे घुमक्कड़ी करने के लिए आया हुआ है। और तकरीबन 100 से ज्यादा जो ग्रुप मेंबर्स हैं आज इस घुमक्कड़ी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे आए हुए। एंड गाइस, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैसे पहुंचा जाए, यहाँ की टिकट प्राइसिंग, टाइमिंग और नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ेगा, वो सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हमारे पुनीत भाई सारी जानकारी आपको धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर देंगे। और लास्ट टाइम हमने इसी जगह पे एक यात्रा की थी, उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो आपको जो आई क्लिक का बटन दिख रहा है वहां पे मैं टैग कर दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये है हमारा टिकट काउंटर, जिसकी टिकट है पर पर्सन 10 रुपए, जो कि मंडे को ऑफ रहता है। ये जो 16 भाटी 10 बजे से 2 बजे तक की एंट्री है और 4:30 बजे आउट है। एंड गाइस, पुनीत भाई ने आपको बताया कि यहाँ का टिकटिंग प्रोसीजर क्या है, अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। सामने हमारे सुशांत सिंगल जी, जो कि ग्रुप के सबसे सीनियर कैमरामैन है, काफी अच्छी वीडियोग्राफी करते हैं। अभी अपन लोग चलते हैं बटरफ्लाई पार्क के अंदर, जहाँ पे हम आज इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं दिल्ली से आए हुए हैं हमारे लगभग 100 के आसपास जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे, और एक खास मुलाकात करेंगे अपने एडमिन पैनल से और देखेंगे एडमिन पैनल ने आज के इस प्रोग्राम की क्या व्यवस्था की हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को देखा, हमारे ग्रुप एडमिन्स ने समोसे वगैरह की काफी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने सभी ने वहाँ पे काफी एंजॉय किया, समोसे वगैरह खाए, आपस में बातचीत की, गप्पे सप्पे लड़ाए, इमेज वगैरह काफी सारे क्लिक किए, जो कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इमेज वगैरह क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, जिसमें पुनीत भाई हमारे कैमरे को लीड करते हुए आगे चल रहे हैं और पूरे बटरफ्लाई पार्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जहाँ पे भी उनको अच्छी चीजें दिख रही है उसको वो अपने कैमरे में कैद कर दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सब लोग मीटअप में, ये सुशांत सर जी हैं। यहाँ पे आवाज नहीं आने की, अच्छा आगे से आएगी आप। करौंदा नहीं है इसके पत्ते, यहाँ दिल्ली अभी यहाँ पे चल रहा है कि ये करौंदा है कि नहीं, डिस्कशन चला हुआ है जो हमारा ग्रुप है उनके मेंबर्स के बीच में। फाइनली हमने देख लिया कि ये करौंदा ही है जी। अरे इन लोगों ने मान लिया मैं जीत गया। वेल गाइज, अभी करौंदे के ऊपर जो हमारा डिस्कशन चला हुआ था वो खत्म हो चुका है। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं सभी ग्रुप मेंबर्स से थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा वॉइस इशू रहेगा। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ईयरफोन का एक बार यूज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सभी ग्रुप मेंबर्स से ग्रुप डिस्कशन। नमस्कार, मैं सुशांत सिंगल गुड़गांव से आया हूँ और इस ग्रुप में ये मेरा इस पॉइंट पर असोला बर्ड सेंचुरी में सेकंड विजिट है। इससे पहले 1 जनवरी को 2023 में भी आए थे, आज फिर आया। जगह बहुत प्यारी लगती है, इसलिए दोबारा आना का मन किया। और अभी यहाँ से जाएंगे हम भारद्वाज लेक, जिसे नीली झील भी कहते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या अनुभव होता है। पिछली बार का अनुभव तो बड़ा
विशेष हो गया था, हम सब खो गए थे। बाकी अब सड़क बन गई है और उतना एडवेंचरस नहीं। मेरा नाम दीपा यादव है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे उदयपुर में। सबसे पहले उदयपुर। मेरा नाम शिखा अग्रवाल है और मैं घुमकड़ी ग्रुप में हूँ और ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस है और अब आज मैं यहाँ आई हूँ फर्स्ट टाइम और अब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आगे देखते हैं, अब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विकास गोयल, विशाल गार्डन से। मैं विकास चौधरी, दिल्ली से। मेरा नाम मनोज कुमार जो है और मैं इस ग्रुप का हेड हूं। मैं शालिनी, वसंत कुंड से। साथ में मेरा बेटा अद्वित। मैं पूनम कुंद्रा, पंजाबी बाग दिल्ली से, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। सपना, यमुना विहार से। मेरा नाम है भूपेंद्र। मैं नितिन तोमर की वाइफ काजल तोमर। हाय, और कैमरा मैन हमारे गौरव। हाय, माय सेल्फ उदिति एंड ये नहीं बताऊंगी। कोई नहीं, ऋषि जी। हाय दुलीचंद, घुमक्कड़ी दिल्ली से हूँ। बस घूमते रहता हूँ, लोगों के साथ घुमाते रहता हूँ, यही मेरा काम है। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं दिल्ली महिपालपुर से हूँ और अपना इंटीरियर डिजाइन का काम है। संदीप बालियान भैया के माध्यम से इस ग्रुप में जुड़ा और अब इस ग्रुप का कोई भी मीटिंग मैं नहीं छोड़ता, सब में शामिल रहता हूँ। आज मेरे पाँव में चोट लगी हुई है और फिर एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी मैं इस टीम में आया। इसलिए टीम में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और लगता ही नहीं कि मैं अपने घर से हूँ या बाहर से। मेरा नाम आशीष नामदेव है और बस घूमने के शौकीन है। नए साल में अपने घुमक्कड़ सभी दोस्तों के साथ घूमने निकले हुए हैं। असोला भाटी लेक, जहां पिछले साल भी घूमने निकले थे, घूमने जा रहे हैं। और हमारे साथ है हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी जो ये वीडियो बना रहे हैं। मैं एस के आर आई नोएडा से हूँ और मैं पीके गुप्ता। हाँ, ये और घुमक्कड़ी का जो कीड़ा है ना, वो रग रग में घुस चुका है। छोटा सा घुमक्कड़ हूँ, ये तो दिखूंगा बहुत बड़ा है क्योंकि मुझसे भी बड़े मांडवा मेरे आसपास खड़े हुए हैं, तो ये कीड़ा कम निकलेगा मुझे नहीं पता। आपके घुमक्कड़ी ने कैंपिंग भी करते हैं और मैं, हाँ एक चीज और है, मैं कैंपिंग, ओवरलैंडिंग, ऑफरोडिंग इन सब का बहुत शौकीन हूँ। तो करीबन महीने में 15-20 दिन मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। विश्वेश नैयर, मैं दिल्ली से बॉर्डर से हूँ, शालीमार गार्डन से। और घुमक्कड़ी जिंदाबाद, घुमक्कड़ी दिल्ली जिंदाबाद। मुसाफिर दिल से, यात्रा प्रेमी सब कुछ हूँ। हम अजदली और घूमने का शौकीन सब दोस्तों के साथ, बस मिलेंगे, मजे करेंगे, धमाल करेंगे। हेलो सर, मैं अमृत हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं सर आज एंजॉय कर लिया है, सर के साथ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे दोस्त हैं। बात करो भाई। मैं संदीप बालियान, भाई का बड़ा भाई। सब यहाँ बड़े ट्रैवलर्स हैं, इनका छोटा ट्रैवलर जा रहे हैं वैसे गाड़ी से और फिर पूरा जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम बटरफ्लाई पार्क से होके आए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ही बढ़िया जगह है दिल्ली के पास। और आपको भैया अभी आगे एक्सप्लोर करना। सो गाइस, इंट्रोडक्शन सेक्शन और बटरफ्लाई पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम रेडी हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नीली झील के लिए काफी जाना जाता है। वहां पे जाने के लिए अभी सब रेडी हैं। अभी बटरफ्लाई पार्क से अपने को 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जो कि अपना ग्रुप रेडी है, गाड़ियां वगैरह सभी रेडी हैं। अभी एंट्री वगैरह हो रही है, उसके बाद अपन निकलेंगे। तकरीबन 20 से 25 गाड़ियों की एंट्री हो चुकी है और अब हम रेडी हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीली झील के लिए, जो कि यहां से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड गाइस, आपको मैं बता दूं, ये है दिल्ली का मिनी जिम कॉर्बेट। आपको यहाँ पे अगर किस्मत अच्छी रही, लेपर्ड वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और मिनी जिम कॉर्बेट को देखने के लिए दिल्ली के घुमक्कड़ों की बड़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और गाड़ियों के साथ साथ अभी अपने जो विकास भाई है उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद आपको सुनने को मिलेंगे रावण के किस्से। मैं विकास गोयल इस राठी भाई के चैनल पे
पीछे की सीट पे बैठा के नहीं, पता नहीं कौन से फोकस बता दिया हमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज राठौर। लंकेश जो मुझे कह के संबोधित कर रहे थे, थोड़ा बहुत एक्टिंग वेक्टिंग कर लेते हैं, वही है और तो कुछ नहीं है। रावण का रोल करता हूँ, तो उसमें एक डायलॉग है, जैसे रावण को बड़ा अभिमान होता है अपने ऊपर, वो क्या है, थोड़ा माहौल बनाओ यार, ताली वाली बजाओ तो बैठा भाई। गुण ज्ञान में एक हूँ, बुद्धि प्रवीण हूँ, इस तरह नाश होगा मेरा, क्योंकि मैं तो नाशहीन हूँ। दिल्ली घुमक्कड़ ग्रुप के एडमिन विकास राठौर का ये डायलॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कुछ जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे कैसा कैसे पहुँचा जाए, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, टाइमिंग, टिकट प्राइस को बता दूं, जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तुगलकाबाद के नज़दीक पड़ती है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन तुगलकाबाद और साकेत का आपको मिलेगा। दोनों मेट्रो स्टेशन से आपको ऑटो या कैब करके पहुंचना पड़ेगा, उसका चार्जेस तकरीबन 20 से 50 रुपए के आसपास आपको लगेगा। वहां से ऑटो या कैब आपको बटरफ्लाई पार्क पे ड्रॉप करेगा, वहां पहुंच के आपको अपनी एंट्री करानी है, वहां से 10 या 15 रुपए का जो टिकट है वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको पूरे बटरफ्लाई पार्क को एक्सप्लोर करना है, जहाँ पे आप अच्छे अच्छे फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं, नेचर को नजदीक से आप महसूस कर सकते हैं। पूरे बटरफ्लाई पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद, अगर आप अपने व्हीकल से आए हैं तो सीधा 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंचिए असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नीली झील पे। अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे टू व्हीलर्स अलाउ नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे घुमक्कड़ी के लिए एक ई कार्ट की सुविधा जो है उपलब्ध कराई हुई है। अगर आप अपना कोई व्हीकल लेके नहीं आते हैं तो ई कार्ट को आप पकड़िए, 10 या 15 रुपए का चार्जेस उसका भी है, उस वो सीधा आपको जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नीली झील है वहाँ पे ड्रो झील पे जाने का, उसको देखने का अभी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं है। वहाँ पे खाने की भी सुविधा है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जहाँ पे समोसे वगैरह और चाय की भी सुविधा उपलब्ध है। हालांकि आप अगर बाहर से अपना खाना लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, फिलहाल के लिए वहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है। एंड गाइस, 16 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में एक बीच में बड़ा सा सेल्फी पॉइंट भी है, जहाँ पे आप खूब एंजॉय कर सकते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं हमारे ग्रुप की तरह। सेल्फी पॉइंट काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपको पता है हमारे देश में शरारती तत्व बुरी तरह से भरे हुए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जहाँ पे जाए घूमने के लिए जाए, प्रकृति को खराब ना करे, पब्लिक स्पॉट का जो सौंदर्य है उसको ना बिगाड़े। हमारे ग्रुप ने काफी मेहनत की, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी जो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, शरारती तत्वों ने उसको बुरी तरह से खराब कर दिया। हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की। सेल्फी पॉइंट पे काफी एंजॉय करने के बाद अपना ग्रुप निकल चुका है और फाइनली हम पहुंच चुके हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां पे पहुंचते ही हमको हड्डियों के ढांचे दिखने शुरू है, और फिर हमने अपनी सभी गाड़ियों को एक साइड में पार्क किया, कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए, वीडियोज वगैरह बनाई, अपनी ग्रुप की दबंगई वहां पे हमने दिखाई, और फिर धीरे धीरे हम पहुंचे एक प्यारे से व्यू पॉइंट, सन व्यू पॉइंट पे, जहां पे हमारे कैमरे को लीड किया रॉक, यानी कि राकेश कुमार जी ने, जो कि ग्रुप के काफी अच्छे फोटोग्राफर भी है। इनके और भी बहुत सारे किस्से हैं, कभी किसी नए वीडियो में इनको आपसे रूबरू कराएंगे। व्यू पॉइंट पे ऊपर आने के बाद आप देखेंगे कि जो नीली झील है उसका आकर्षण एक अलग ही विशेष प्रकार का देखने को मिलता है, और जो व्यू पॉइंट है वहां से आप सनसेट के अजीबोगरीब नजारे देख सकते हैं। सर्दियों का मौसम, गर्मा गर्म समोसे, दोपहर का टाइम, व्यू पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, लैला मजनू के किस्से
और फाइनली दिस इज द हेवन। और दो मस्त मलंग घुमक्कड़ जिन्होंने हर मोमेंट हर पल को यहाँ पे खूब एंजॉय किया, भरपूर आनंद लिया इस प्राकृतिक नजारे का। गाइज ये है दिल्ली के अंदर जन्नत, जो कि आप सभी को एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए, एक बार यहाँ पे आके आपको घूमना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मेरे को लग रहा है दिल्ली का सबसे अच्छा पब्लिक स्पॉट, सबसे अच्छा टूरिज्म पैलेस बनने वाला है। यहाँ पे घूमते घूमते अपने को लग गई है प्यास, चलिए अब चलते हैं मुकेश भाई के पास, उनके पास है कोक। उसके बाद हमने ली कोक की दो सिप, फिर देखा हमने पुनीत भाई को करते हुए ब्रीफ, अपने को लग गई थी भूख, एडमिन ने की बहुत सारी व्यवस्था, खाने में थे गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और खस्ता। कुल मिला के दिल्ली घुमक्कड़ के ग्रुप एडमिन्स ने की हुई थी सबसे प्यारी व्यवस्था। स्पेशल गाजर का हलवा गोल्ड मेडल कराटे में जीतने का। खाने और गेट टुगेदर के बाद अपने एडमिन पैनल ने यहाँ पे अपने ग्रुप के लिए की हुई थी एक विशेष व्यवस्था, जिसमें 22 जनवरी श्रीराम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र और स्टिकर सभी ग्रुप मेंबर्स को वितरित किया। शाम तक आना चल रहा। जय श्री राम। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अपन लोग निकलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि हिल पॉइंट पे, जो कि नीली झील से लगभग 100 मीटर दूर ऊपर पहाड़ी पे बनी हुई है। चलो चलो नीचे चलो सारे। हिल पॉइंट पे आप आने के बाद पूरे असोला भाटी जंगल को यहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे एंजॉय करने के बाद अब निकलने का समय हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ की टाइमिंग का जो शेड्यूल है सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक का है, और अभी अपना ग्रुप फुल एंजॉय करने के बाद रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक मारिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार कंटेंट आप सभी के सामने हमेशा आते रहे। और यहाँ के बारे में और जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, एक बार वहाँ भी जरूर विजिट करिएगा। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अभी हम निकलते हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए हमारे अगले नए कंटेंट का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। खरगोश बाय।